It's all of this politics that is happening. What is also pertinent to note is what is the investigator saying about the manner in which Parliament security was breached. One of the MPs who was not just an eyewitness but also present inside the house to snatch the yellow canister away was Congress Party's Gurjinder Aujla. I spoke to him a little while back and asked him, because in the last 24 hours his hand continued to show chemical stains and chemical stench. I began by asking him as to, you know, how really is his health coping up, because police now suspects that the chemical use could have been phosphorus, extended exposure to which can cause burn and blister injury. This is what the Congress MP had to say. औजला जी, आपसे पहले ये जानना चाह रहे थे आपकी आपका हाथ कैसा है. कल तक भी 24 घंटे बाद भी घटना के आपका हाथ पीला ही दिख रहा था, उस पर केमिकल की स्टेंच दिख रही थी, अब क्या हालत है? हाँ देखिए, मैं कल दिखाया था और लेकिन साफ वगैरह कर दिया उसको डेटॉल से और दूसरे कुछ मेडिसिन थी. तो अभी उन्होंने देखा है कि अभी ये ऑब्जर्व करो, कोई ज्यादा अंदर तो नहीं प्रॉब्लम आती, इचिंग वगैरह कुछ ज्यादा तो नहीं होता, अभी तक कोई ऐसा है नहीं. बट डॉक्टर्स को लग रहा है कि ये कोई केमिकल की वजह से आपके हाथ में ये दिक्कत आई है? नहीं, वो तो केमिकल की वजह से ही आई है, लेकिन वो मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है या नहीं करता ये तो थोड़ा टाइम पे ही पता चलेगा. तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वो पीला रंग क्या वो अभी भी है? अभी भी है. तो दो दिन से आप लगातार साबुन से भी धो रहे होंगे हाथ, पर वो पीला रंग दो दिन बाद भी जा नहीं रहा है? नहीं, कम हुआ है लेकिन है उसका वो, मतलब स्टेन अभी है. स्टेन है. कोई कुछ केमिकल की स्मेल भी आ रही थी कल तक? तो कल तक थी, कल शाम तक भी थी. अभी मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो मैं अभी देखी भी, अब नहीं है. अच्छा. और जी, एक बार और हमारे दर्शकों के लिए अगर आप रिक्रिएट कर पाए वो मोमेंट सोचकर कि आपने वो कैनिस्टर को सीधे अपने हाथ से पकड़ा था, एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्या दोनों हाथों पर आपको ये पीलापन नजर आया था? नहीं, दोनों हाथों पे भी. वो जब पीछे वो छिपा हुआ था, उसने अपना जूते से निकाल के तो वो भी आगे को भागने लग गया, जब तक क्योंकि मेरे को पता था एक आदमी पीछे है. आगे वालों को तो अपने सांसद साथियों ने पकड़ लिया था, जैसे बेनीवाल है, नागर साहब है और जगदम्बे पाल जी भी थे अपने जो यूपी वाले हैं, प्लस आलू वाले था और भी थे साथी, काफी आगे थे. लेकिन मेरे को पता था वो पीछे, मैं पीछे की तरफ भागा, उतनी देर को उसने निकाल के वो आगे की तरफ आगे आने लग गया और वहां फिर उसको पकड़ के एक हाथ से पकड़ा, दूसरे से छीनना उससे बड़ी, क्योंकि वो मजबूती से पकड़ा हुआ, छोड़ता नहीं था. तो गर्म हाथ ऊपर था, क्योंकि ऊपर से निकल रहा था ना, गर्म ऊपर था, नीचे तो उसके हाथ में ठंडा था. तो इसीलिए मैं थोड़ा, मेरा ख्याल 5-10 सेकंड लगे, मैं 10-15 सेकंड छीनने में. जब आपने वो छीना तब भी वो गर्म था, वो कैनिस्टर उस वक्त गर्म था, जल्दी वो तो जलता जलता ही छीना ना, वो बंद थोड़ा ना हुआ, वो तो जलता ही छीना, जलता ही बाहर निकले जो भी उससे निकला. और उस वक्त आपको कुछ महसूस हुआ हाथ में, किसी तरह का कोई सेंसेशन, बर्निंग का या किसी दर्द का कुछ सेंसेशन? देखिए, पता कि जब वो समय होता है ना, फिर वो कम हो, तब उस समय कोई दर्द नहीं होता किसी को, कोई भी हो, जब आदमी ऐसे मूवमेंट होता है कोई ध्यान ही नहीं होता इस बात पे भी कोई ज्यादा चोट लगेगी कम लगेगी. ये दर्दें बाद में ही पता चलती, जब झगड़ा कोई लड़ाई कोई भी होती है ना, इसमें जब आदमी किसी के साथ हेड टू हेड हो रहा था तो उसको कोई ऐसा नहीं होता. लेकिन ये केमिकल की वजह से ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, अभी कोई इन्फेक्शन ना हो इसीलिए वो है, ऐसी कोई बात नहीं है वैसे अभी. मेरे दो आखिरी सवाल है गुरुजी जी. एक तो जो हो रहा है इस वक्त पार्लियामेंट में, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में लग रहा है कि बिल्कुल ब्रेकडाउन है, हाउस बार बार एडजर्न हो रहा है और एमपीज भी सस्पेंड हुए हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है, सारा देश देख रहा है कि पार्लियामेंट के ऊपर चाहे कैसे भी आए हैं लोग, अंदर से आए हैं, बाहर से आए हैं, एक उस दिन वो एक ऐसे लग रहा था जैसे पार्लियामेंट पे दोबारा अटैक हो गया, क्योंकि सेम डे था जब पहले 2001 में हुआ है अटैक. तो एक तो वो चिंता थी, सुबह होके आए थे, एक वैसा ही मंजर बना हुआ सारा और ये कॉन्स्पिरेसी बनी हुई है कि ये किसने ऐसे भेज दिया इनको. अब इनके पास है, तहकीकात हो रही है, कोई बाहर के लोगों के, जो बाहर वाले ग्रुप है जो एंटी इंडिया है, वो थोड़ा बहुत इस हाथ बार ही कहते हैं हम कुछ ना कुछ करेंगे, तो वो कहीं उनसे अटैच तो नहीं है. तो ये जो बात, इसका देखो, जब भी किसी घर के ऊपर कोई मुश्किल आती, देश में कोई घर के, आप सबसे छोटी का ही घर होता है, कोई मुश्किल आती है सारा घर इकट्ठा हो जाता है, रिश्तेदार भी आ जाते हैं. तो जो कम से कम जो मेंबर पार्लियामेंट है, जो हाउस के मेंबर है, उनको तो हाउस में आना चाहिए ना नेक्स्ट डे, पूरे पूरे का पूरे हाउस होना चाहिए, उसमें सभी मिनिस्टर होना चाहिए, ऑपोजिशन लीडर भी साहब होते और होम मिनिस्टर साहब होते, प्राइम मिनिस्टर साहब होते, बातें करते आपस में, हाउस चलता, प्रोसीडिंग होती. कोई गलत, देखिए ऑपोजिशन ने तो कहना ही होता है,
लेकिन जो बड़ा होता है उसने सबकी सुननी होती है। घर में चार बच्चे हैं, दो की नई बीज बनती है, बाप तो उनकी सुनता है ना, सुन के बाहर आकर बात करते मीडिया के साथ, सारे लीडरों के साथ बैठ के, तो एक मैसेज वो देश विरोधी ताकतों को जाता है। चाहे ये तहकीकात में कुछ भी निकले, लेकिन ये जो हुआ है, जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, वो तो ऐसे लग रहा था आतंकी हमला है। तो ये जो मैसेज है, ये कम से कम उन लोगों तक तो जाना चाहिए जो इस ऐसा दिमाग रखते हैं कि हम ये कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग तो जिस घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो उस घर को वो तो कमजोर होता है जी। तो इनको ये बाकर अच्छा, फिर दूसरी बात है, जब हम इसका हक मांगते हैं कि वे आप कृपा करके हमें ये हक दे दीजिए कि हम अपना सारे बैठ, मतलब आप क्यों नहीं आ रहे पार्लियामेंट में, क्योंकि सारा देश देख रहा है, तो हमें पूछना तो बनता ही है ना जी। जी तो वो तो क्या इन्होंने देना है, इन्होंने मतलब वो 15 मेंबर सस्पेंड कर दिए, ये तो एरोगेंस है, ये तो गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। कुछ गलत है तो गलत हुआ है, पार्लियामेंट के साथ हुआ है, उसके लिए तो मांग रहे हैं, कौन सा कुछ अलग इशू है। तो पार्लियामेंट सबसे ऊंचा मंदिर है लोकतंत्र का, देश को चलाने के लिए सबसे टॉप की जगह है, जहां कानून बनने हैं, कानून तब्दील होने हैं, कोई गलत हो रहा है, सही हो रहा है, सब वहां डिस्कस होना है। तो एक एक आदमी 25-25 लाख को रिप्रेजेंट करता है मिनिमम,